बलात्कारी है तो क्या हो गया, भाजपा का है ना। कातिल है तो क्या हो गया, भाजपा का है ना, है ना। अरे इतने सारे जो है मुकदमे हैं तो क्या हो गया, भाजपा का नेता है ना। तड़ीपार है तो क्या हुआ, भाजपा का नेता है ना। झूठ बोलता है तो क्या हुआ, मक्कार है तो क्या हुआ। जुमला छोड़ता है तो क्या हुआ, लोगों को ठगता है तो क्या हुआ। लोगों की मदद नहीं करता है तो क्या हुआ, लोगों का विनाश करता है तो क्या हुआ, भाजपा का है ना। भाजपा के जो सब लोग है वो दूध के धुले हैं। तुम्हारे जैसे 2% के जो हिंदू मुसलमान करते हैं प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। नमस्कार, मैं काजल निषाद। अभी अभी खबर चल रही है कि कोई सुधांशु त्रिवेदी है, पहले तो पता नहीं ये 2% का प्रवक्ता कौन है, लेकिन ये भाजपा का प्रवक्ता है ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये भाजपा का प्रवक्ता भाजपा का है ना, भाजपा पार्टी से है ना, तो ये किसी की मां बहन की इज्जत थोड़ी करेंगे। नहीं, ये सुधांशु त्रिवेदी जो है वो कह रहा है कि फूलन देवी ने, जो डाकू थी फूलन देवी ने, लोगों को क्यों मारा। तो मुझे एक बात बता सुधांशु त्रिवेदी, मुझे एक बात बता, कल को भगवान न करे तेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए और तेरी बेटी उसका विरोध करे, हिम्मत के साथ सामना करे वो बेटी, तो तू अपनी बेटी का साथ देगा कि जिसने गलत किया उसका साथ देगा। मुझे लगता है कि तू जिसने गलत किया उसका साथ देगा। काहे कि तुम लोग भाजपा में हो ना, तो भाजपा वाले तो जो बलात्कारी होते हैं उनका साथ देते हैं ना, उनके नाम के नारे लगाते हैं, उनके नाम से आंदोलन करते हैं, है ना, उनके लिए खड़े होते हैं ना। अब कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का था बलात्कारी नेता, लेकिन भाजपा वाले सारे उनके साथ खड़े थे। बलात्कारी है तो क्या हो गया, भाजपा का है ना। कातिल है तो क्या हो गया, भाजपा का है ना, है ना। अरे इतने सारे जो है मुकदमे हैं तो क्या हो गया, भाजपा का नेता है ना। तड़ीपार है तो क्या हुआ, भाजपा का नेता है ना। झूठ बोलता है तो क्या हुआ, मक्कार है तो क्या हुआ। जुमला छोड़ता है तो क्या हुआ, लोगों को ठगता है तो क्या हुआ। लोगों की मदद नहीं करता है तो क्या हुआ, लोगों का विनाश करता है तो क्या हुआ, भाजपा का है ना। भाजपा के जो सब लोग है वो दूध के धुले हैं, है ना। सुधांशु, तू कभी भी मां फूलन देवी जी के बारे में अच्छा बोल नहीं सकता। तुम कभी भी उनका जो त्याग था, उनकी जो हिम्मत थी, उनको तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम जैसे 2% के प्रवक्ता वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या थी। मतलब दुनिया भर की महिलाओं के लिए वो एक शक्ति का प्रतीक थी, दुनिया भर की महिलाओं की वो प्रेरणा थी, हिम्मत थी, वो वीरांगना कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको, वीरांगना फूलन देवी। ये तुम जैसे 2% के प्रवक्ता थोड़ी समझ सकते हैं। तुम लोगों को क्या कहा जाता है पता है? नहीं नहीं, पता करना। सोशल मीडिया पर जितने भाजपा के जो ये नेता नेती सब है ना, उनको क्या कहा जाता पता है, गोबर, ये मूर्ख लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये विनाश करने वाले लोग हैं, ये गटर है, ये गटर छाप है, ये लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, पता है ये कहा जाता है तुम्हारे लिए, तुम जैसे लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन फूलन देवी जी को हमेशा ही वीरांगना कहा जाता है, वीरांगना की उपाधि मिली है उनको, समझ में आता है। एक शक्ति का रूप थी वो, जिन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लिया, सामना किया, जवाब दिया, हर एक महिला को सिखा दिया कि तुम्हारे साथ जब कुछ गलत होता है तो हमेशा उसका विरोध करना, डरना नहीं, आत्महत्या मत करना, रोना नहीं, बिलखना नहीं। तुम्हारे अंदर भी एक शक्ति है, एक दुर्गा का रूप है, उसे जानो, उसे पहचानो। ये मां फूलन देवी जी ने दुनिया को बताने का काम किया। और तुम्हारे जैसे 2% के जो हिंदू मुसलमान करते हैं प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, तुम उनकी हिम्मत को कभी नहीं समझोगे। और जितने निषाद है,
केवट है, मल्ला है, कश्यप है, कोड़ी है, कहार है, माझी है, मझवार है, बैलदार है, रैकवार या खैरवार है, झीर है, झीवर है, धीर है, धीवर है, नाविक है, सहनी है, धीमार है, कीर है, कीरत है, कदम है, कोलचा है, कोली है, कोल्हा है, कोल्हार है, मछुआ है, मछुआरा है, मछेंदर है, जो बिंद है, बाथम है, मल्हार है, जो गंगा पुत्र अपने आप को कहते हैं, जो फिशरमैन है, जो निषाद है, उन सब का अपमान किया है तुमने सुधांशु त्रिवेदी, तुम माफी मांगोगे। तुमने हमारी माँ फूलन देवी जी को डकैत कहा, हत्यारीन कहा। पहले मुझे एक बात बता, अगर तेरी हिस्ट्री अच्छी है और सही जानकारी है तेरे पास, तो तू मुझे एक बात बता कि क्यों वो डकैत बनी, क्यों उनको, उन लोगों को सजा देनी पड़ी, क्यों? जानता है ना, हाँ, उन लोगों ने उनके साथ गलत किया था, बलात्कार किया था। बलात्कार समझता है ना, तू नहीं समझेगा क्योंकि तू औरत नहीं है ना, तू औरत नहीं है सुधांशु त्रिवेदी, इसलिए तू उस बात को समझेगा नहीं। तो अपमानित कर रहा है हमारी माँ दुर्गा को, तो तू समझेगा नहीं उस पीड़ा को। किसी के ऊपर बलात्कार होता है, फिर बार बार बलात्कार होता है, फिर बार बार बलात्कार होता है, निर्वस्त्र उनको पूरे गांव में घुमाया जाता है, बार बार अपमानित किया जाता है उस औरत को, वो औरत क्या करेगी बता मुझे, क्या करेगी वो औरत, तू मुझे बता। बार बार उनको प्रताड़ित किया गया था। तेरी हिस्ट्री सही है सुधांशु त्रिवेदी, तो जा और जान कि उनके साथ क्या हुआ था। क्यों? छोटे परिवार की थी इसीलिए, गरीब थी इसीलिए, हाँ, पिछड़े वर्ग की थी इसीलिए, सामंतवादी लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, वो महिला नहीं है, है ना, वो खिलौना है, वो खिलौना थी। इस तरह से उन लोगों ने रोंदा था, उसका जवाब वो नहीं देती क्या? और जवाब दिया तो तुम जैसे दो टके के प्रवक्ताओं को बुरा लग गया, है ना? और उन लोगों को क्यों नहीं बुरा लग रहा है जो तुम्हारी पार्टी में विलय किए हुए हैं? डॉक्टर संजय निषाद क्यों अपना पद नहीं त्याग रहे हैं? मां फूलन देवी जी का अपमान हो रहा है और डॉक्टर संजय निषाद और सनोफ मल्ला, मुकेश साहनी, मां फूलन देवी जी की जो मूर्ति लगवा रहे थे, देवी मानते हैं ना फूलन देवी को, क्यों एक शब्द नहीं कहोगे तुम लोग? तुम लोग निषाद नहीं हो क्या जी? तुम लोग एक शब्द नहीं कहोगे? अपमान पे अपमान ये लोग करते हैं, सरेआम डिबेट में उनको अपमानित कर रहे हैं और तुम लोग एक शब्द नहीं बोलोगे? वोट लेने के लिए तो मां फूलन देवी जी का नाम लोगे, निषाद समाज को भ्रमित करोगे, और तुम्हारी जो विलयकारी पार्टी है वो लोग कुछ भी कहेंगे तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, दब जाओगे, डर जाओगे। पद नहीं छूट रहा है, सांसद का पद नहीं छूट रहा है प्रवीण निषाद जी से, एमएलसी का पद नहीं छूट रहा है डॉक्टर साहब से, और मंत्री जी का पद नहीं छूट रहा है मुकेश साहनी जी से। ऐसी भाजपा को ये लोग लात मारने का काम नहीं करेंगे। तुम्हारी मां बहनों की इज्जत नहीं करते हैं ऐसे लोग। वहां तुम लोग एकदम चुप बन के बैठे हुए हो, एकदम से चटुआरे बन के बैठे हुए हो। लालच है, लालच है तुम लोगों को, इसलिए तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। नहीं बोलोगे कुछ, नहीं विरोध करोगे। ये निषाद समाज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा और तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि तुम लोग किसी की भी इज्जत नहीं करते हो। जो तुम्हारी मां बहनों को अपमानित कर रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहे हो कि क्यों बोल रहा है? ये ले तेरा पद, नहीं चाहिए मुझे तेरा पद, हम इस तरह से अपमान सहन नहीं करेंगे, नहीं बोला जा रहा है ना, पद नहीं छूट रहा है। क्या करोगे ऐसा पद लेकर, क्या करोगे ऐसा पद लेकर जहां समाज ही तुम्हारा साथ न दे? किसकी रक्षा करोगे तुम लोग? मैंने पहले भी कहा था, मां फूलन देवी जी की मूर्ति भी जो नहीं लगा पाते हैं वो, और हमारी निषाद बहनों की क्या रक्षा करेंगे? और ये लोग अपमानित करते हैं और तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे। मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से कह रही हूं कि जो सच्चा निषाद होगा वो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुधांशु त्रिवेदी
निषाद समाज से माफी मांगे। सुधांशु त्रिवेदी, निषाद समाज से माफी मांगो। बस नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।